राधे राधे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 0 से 3 महीने के बच्चे के लिए ये टोपा बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको 8x11 लेनी है। इस तरीके का आप कोई भी सूती कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर 1.5 इंच पर मैं निशान लगा लेती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे और अब इसे कर्व की शेप देते हुए हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो कोई गर्म कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकती है, ये छोटे बेबी के लिए हम बना रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम कट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके की इसकी शेप आ जाएगी। अब मैंने ये स्ट्रिप ली है, ये आपको 11x3 की लेनी है। अब मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ और बीच में सेंटर से इसे इस तरीके से कट लगा लेंगे। इसी तरीके से ऊपर वाले फैब्रिक पे सेंटर में कट लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारी कर्व है वहीं पर कट लगाना है। इस तरीके से हमें रख लेना है। स्ट्रिप को सीधी साइड रखेंगे और ऊपर वाले फैब्रिक को उल्टी साइड रखेंगे, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे और इसे इस पर अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से प्लेट बनाते हुए अटैच कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। इस तरीके से प्लेट बनाते हुए और लास्ट में हमने इसको प्लेन रखा है। दूसरी साइड से भी थोड़ा सा प्लेन रखेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब चुन्नट बनाएंगे, यानी सेंटर में हमने चुन्नट बनानी है और साइड से सीधा ही रखा है। इस तरीके से ये हमारी स्ट्रिप जुड़ के रेडी हो गई है। देखिए कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा। अब इसे आगे की तरफ हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करके इसे मैं स्टिच लगा लेती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने स्ट्रिप को ऐड कर लिया है। अब नीचे वाली स्ट्रिप को भी हमें ऐड करना है। तो चलिए, देखिए इसको भी हमने सेंटर में से कट लगा लिया है और यहाँ पर मैं इस तरीके से बीच में एक प्लेट बना रही हूँ। दूसरी साइड भी मैं यहाँ पर एक प्लेट बना रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बना सकती हैं। इससे थोड़ी गर्दन की अच्छे से शेप आ जाएगी। देखिए, मैंने दोनों साइड से एक एक प्लेट बना ली है। आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा प्लेट भी ऐड कर सकती हैं। अब ये मैंने 2x23 इंच की एक पट्टी ली है। इसे भी हमें फोल्ड करके बीच में से एक छोटा सा कट लगा लेना है। ये कट लगाने के बाद आपको स्ट्रिप को सीधा रखना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको उल्टा रखना है, देखिए इस तरीके से। और इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे और यहाँ से इसको अटैच कर लेंगे। इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगा ली है और अब इस स्ट्रिप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से ये आपको फोल्ड करनी है और इसको सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारी बहुत ही सुंदर छोटे बच्चे की कैप बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी सुंदर इसकी शेप आई है और ये पहनाने में भी एकदम कंफर्टेबल रहेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।